दोस्तों, मैं विजय कुमार दिवाकर सन्स न्यूज ऑफ इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। देश की राजधानी दिल्ली सुरक्षा के लिहाज से सबसे अहम है। यहां देश की संसद से लेकर सभी देशों के दूतावास सब हैं और दिल्ली में पूरे देश से लोग अपने निजी और सरकारी कामों के लिए आते हैं और आकर रुकते हैं किसी न किसी होटल में। और दिल्ली का होटलों का हब है पहाड़गंज। पहाड़गंज दिल्ली के बीच में और यहाँ टूरिस्टों की संख्या अधिक होने से घर भी होटलों में तब्दील हो गए हैं। यहाँ होटलों का पूरा हब बन गया है। अब इन होटलों में लोग तो आकर रुकते हैं, पर इन होटलों का खुलासा देखकर आप सन्न रह जाएंगे। सनसनी ऑफ इंडिया इन होटलों की असलियत जानने निकला तो हैरान कर देने वाला वो सच सामने आया जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। देश की सुरक्षा के लिहाज से होटल बिल्कुल संजीदा नहीं है। इस खुलासे में होटल ही नहीं, होटल से लेकर पुलिस प्रशासन तक की पोल खुलती नजर आएगी आपको। इन होटलों की असलियत जानने सनसनी ऑफ इंडिया की टीम जस्ट डायल पर मसाज पार्लर पहाड़गंज और पहाड़गंज में जगह जगह पर पब्लिक बाथरूम खंबे टेलीफोन बक्सों पर चिपके मसाज पार्लर के पर्चों पर दिए गए नंबरों के जरिए पहुंची तो सब हैरान। सनसनी ऑफ इंडिया की टीम एक जगह नहीं बल्कि कई होटलों में गई। वहां के हालात तो और भी हैरान कर देने वाले थे। यदि इन होटलों को देखें तो जीबी रोड से भी बड़ा सेक्स का कारोबार ये होटल कर रहे हैं। हमारी टीम पहाड़गंज के कई बड़े छोटे होटलों में गई और ग्राहक बनकर सब जांचा तो हमारी टीम भी हैरान। इन होटलों में चल रहा है देह व्यापार का बड़ा धंधा। सभी तो नहीं, पर जितने होटलों में असलियत हमारी न्यूज टीम ने जाननी चाहिए वहां उन्हें मिला जिस्म फिरौसी का धंधा। सबसे पहले हमारी टीम पहाड़गंज के आकाश प्लाजा होटल में गई। वैसे तो ये होटल है पर होटलों में कई तरह की दुकानदारी चल रही है। यहाँ होटल में ही रेल और हवाई जहाज टिकट तक बुकिंग करने की सुविधा है। बकायदा बोर्ड तक इस सुविधा के लिए लगाए हैं, मतलब टिकट बुक कराने वालों को यहाँ के दूसरे धंधों की भी जानकारी दी जाती है जिससे अधिक से अधिक ग्राहक मिल सके। यहाँ हमारे रिपोर्टर ने दलाल का सहारा लिया जो अक्सर इन होटलों के आसपास मिलते हैं।
हमारे रिपोर्टर ने इस होटल में एंट्री की और जब आईडी मांगी तो रिपोर्टर ने आईडी ना होने की बात कही तो दलाल ने कहा कोई बात नहीं और दलाल का इशारा तुरंत होटल का कर्मचारी समझ गया और बिना आईडी के ही अंदर हमारे रिपोर्टर ने एंट्री कर ली। अंदर देखिए छोटे छोटे कमरे जिन्हें आप डेली यूज के लिए भी शायद पसंद ना करें। कमरे रहने के लिहाज से बहुत ही छोटे हैं। कमरों में जगह जगह गंदगी थी, लग रहा था जैसे यहाँ कमरे मात्र मौज मस्ती के लिए ही बने हैं। होटल की आड़ में यहाँ मिल रही है सेक्स के लिए लड़कियां। हमारे रिपोर्टर ने पूरी सच्चाई देखिए कैसे कैमरे में शूट की और दुनिया के सामने ये सच लाई कि इन होटलों में क्या हो रहा है। बड़ों की छोड़िए कॉलेजों के स्कूलों के लड़के लड़कियां तक यहां आकर रुकते हैं। और कुछ घंटे इन जैसे होटलों के कमरों में बिताते हैं। तीन से पांच हजार रुपए देने के बाद किसी आईडी की जरूरत नहीं, कोई पहचान का खुलासा होने का तनिक भी डर नहीं। अब कमरे का हाल देखकर आप चौंक जाएंगे। आप खुद देखिए कि एक कमरे में चार से पांच तक लड़कियां रखी गई हैं। जी हां, ये कमरा जीबी रोड के कोठे का नहीं बल्कि पहाड़गंज के होटल आकाश प्लाजा का है। देखिए पहाड़गंज के इस आकाश प्लाजा होटल में एक कमरे में पांच से भी ज्यादा लड़कियां। कैसे कोई परिवार के साथ इस होटल में रुक सकता है? साफ है कि होटल की आड़ में असली धंधा यहां भी सेक्स का कारोबार है। यहां देखिए लड़कियां कैसे तैयार भी हो जाती हैं। आप देख रहे हैं सनसनी ऑफ इंडिया के खुफिया कैमरे में कैद पहाड़गंज होटलों का सच। आगे भी बहुत कुछ कैद है सनसनी ऑफ इंडिया के खुफिया कैमरे में, कहीं मत जाइएगा। हम बस लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। सनसनी ऑफ इंडिया का जिंदगी के सफर में एक जीवन साथी तो चाहिए ना, और जीवन साथी अगर मनपसंद हो तो जिंदगी और भी खुशनुमा हो जाती है। आपका मनपसंद जीवन साथी बस यहाँ मिलेगा, साथी4u.com। जो साथी4u.com पर आए जिंदगी महक जाए। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से प्रकाशित
हिंदी दैनिक समाचार पत्र विजय न्यूज हर रोज आपको कराता है देश विदेश, खेल, कारोबार और आपके आसपास की घटनाओं से रूबरू मात्र 2 रुपए में। विजय न्यूज की खबरें हिंदी में पढ़िए कहीं भी कभी भी। बस लॉग इन करें www.vijaynews.in। मोबाइल में हिंदी में खबरें पढ़ने के लिए एंड्रॉइड यूजर गूगल प्ले स्टोर से विजय न्यूज ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में हर अपराध पर है हमारी कड़ी नजर। जुर्म की हर खबर से कराएंगे आपको रूबरू। देखना ना भूलें सनसनी ऑफ इंडिया हर रोज रात 10:30 बजे सिर्फ जस्ट खबर पर। कड़ी नजर, खरी खबर और सच दिखाने की हिम्मत। सच दिखाते हैं हम सनसनी ऑफ इंडिया हिंदी साप्ताहिक न्यूज़पेपर हर रविवार आपके द्वार जो आप तक पहुंचाता है क्राइम से जुड़ी सभी खबरें सिर्फ 5 रुपए में। इसके अलावा ऑनलाइन खबरें पढ़ने या देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.sansani.tv पर जा सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है सनसनी ऑफ इंडिया में। पहाड़गंज के यह एक होटल का आलम नहीं है, हमारे खुफिया कैमरे में कैद हुए हैं पहाड़गंज के कई होटल जिनका खुलासा भी जल्द किया जाएगा। अब हमारा रिपोर्टर एक होटल से दूसरे कारोबार पर उंगली ना उठे ये जांचने के लिए दूसरे होटल में आता है। देखिए यहां भी दलालों की भरमार है। और किसी भी आईडी प्रूफ की कोई जरूरत नहीं। फिर तीसरे होटल इंजॉय में जाकर जानना चाहा तो यहां भी हालत पहले के 2 होटलों से मिलती जुलती ही मिली। होटल हब पहाड़गंज के होटलों की असलियत। अभी आपको दिखाएंगे कि सुरक्षा के लिहाज से ये होटल कितने खरे हैं। पहाड़गंज में विदेशी टूरिस्ट भी काफी मात्रा में आते हैं। बाहर से आने वाले टूरिस्ट चाहे घरेलू हो या विदेशी वे अधिकतर इन्हीं होटलों में आकर रुकते हैं। पर यहां होटलों में रुकना कितना सेफ है इसकी पोल भी ये होटल खोल रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में हमने आपको दिखाया कि कैसे दलालों की भरमार है। दलाल को आपने 1,000 रुपए दिए तो आपको आईडी प्रूफ देने की जरूरत नहीं। बिना आईडी प्रूफ के आप होटल में रुक सकते हैं। ये देखिए ये पहाड़गंज का होटल आकाश प्लाजा है। आकाश प्लाजा होटल में दलाल के जरिए हमारा रिपोर्टर जाता है। और कुछ पैसे दलाल को दिए तो बिना आईडी प्रूफ के ही होटल कर्मचारी की मिली भगत से होटल में एंट्री हो जाती है। अब देखिए बिना आईडी के इन होटलों में एंट्री हो रही है।
पहाड़गंज के होटलों में टिकट बुकिंग और रूम बुकिंग तो मात्र दिखावा है, असल में कुछ होटलों में टिकट बुकिंग और होटल बुकिंग की आड़ में चल रहा है देव व्यापार का धंधा, जो कि सनसनी ऑफ इंडिया के खुफिया कैमरे में कैद हुआ है। यहाँ होटल ही नहीं, पुलिस पर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। यहाँ होटलों पर नजर रखने के लिए दिल्ली पुलिस ने होटलों में रजिस्टर शुरू किए, सीसीटीवी कैमरे लगाए। दिल्ली पुलिस का लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट होटलों के रजिस्टरों को चेक करता है, पर विभाग क्या चेक करता है इसकी पोल ये दलालों के जरिए बिना आईडी की एंट्री खोल रही है। जहां बिना आईडी प्रूफ के आराम से एंट्री हो तो लगता है जैसे दिल्ली पुलिस का लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट रजिस्टर चेक करने के नाम पर मात्र खाना पूर्ति ही कर रहा है। साथ ही इस मामले में पहाड़गंज थाना पुलिस पर भी बड़े सवाल खड़े होते हैं, जो इन होटलों को चेक करती है, कमरों और ग्राहकों की गिनती करती है, सीसीटीवी चेक करती है, पर यहां पुलिस को ना तो एक एक कमरे में पांच पांच लड़कियां दिखाई देती हैं और ना ही वो ग्राहक दिखाई देते हैं जो बिना आईडी प्रूफ के यहां एंट्री कर लेते हैं। ऐसे तो इन दलालों के जरिए कोई भी आतंकवादी आराम से इन होटलों में रुक सकता है और उन आतंकवादियों का कोई भी प्रूफ इन होटलों के पास नहीं होगा, जो सेफ्टी के लिहाज से बेहद खतरनाक है। अब पुलिस भी आंख और कान दोनों बंद करके सोई है, शायद हादसे के बाद जागने का इंतजार है। सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या पुलिस जानबूझकर सोई है? इस धंधे में पुलिस, दलाल और होटल मालिक सब मिलकर सुरक्षा को ताक पर रखकर अपनी काली कमाई करने में जुटे हैं। हमारा मकसद पहाड़गंज के सभी होटलों को बदनाम करना नहीं है। हो सकता है कुछ होटल मापदंडों में खड़े हों, पर जिन होटलों में हमारा रिपोर्टर गया वहां सभी जगह ये घिनौना खेल देखकर एक चिंता का विषय जरूर खड़ा होता है, जिस पर प्रशासन वक्त रहते ध्यान दे तो बेहद अच्छा होगा। हमने आपको दिखाया कैसे सेफ्टी के लिहाज से यहाँ प्रशासन फेल है, साथ ही कैसे पहाड़गंज के होटल हब जीवी रोड से भी बड़ा सेक्स का अड्डा बनता जा रहा है। जरूरत है वक्त रहते प्रशासन इस पर काबू पाए, वरना इस कारोबार को धीरे धीरे पहाड़गंज से दिल्ली के दूसरे होटलों तक पहुंचने में कोई देरी नहीं लगेगी। जिंदगी सफर में एक जीवन साथी तो चाहिए ना, और जीवन साथी अगर मनपसंद हो तो जिंदगी और भी खुशनुमा हो जाती है। आपका मनपसंद जीवन साथी बस यहाँ मिलेगा, साथी4u.com। जो साथी4u.com पर आए जिंदगी महक जाए।
राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से प्रकाशित हिंदी दैनिक समाचार पत्र विजय न्यूज हर रोज आपको कराता है देश विदेश, खेल, कारोबार और आपके आसपास की घटनाओं से रूबरू मात्र 2 रुपए में। विजय न्यूज की खबरें हिंदी में पढ़िए कहीं भी कभी भी। बस लॉगिन करें www.vijaynews.in। मोबाइल में हिंदी में खबरें पढ़ने के लिए एंड्रॉइड यूजर गूगल प्ले स्टोर से विजय न्यूज ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में हर अपराध पर है हमारी कड़ी नजर। जुर्म की हर खबर से कराएंगे आपको रूबरू। देखना ना भूलें सनसनी ऑफ इंडिया हर रोज रात 10:30 बजे सिर्फ जस्ट खबर पर। कड़ी नजर, खरी खबर और सच दिखाने की हिम्मत। सच दिखाते हैं हम सनसनी ऑफ इंडिया हिंदी साप्ताहिक न्यूज़पेपर हर रविवार आपके द्वार, वो आप तक पहुंचाता है क्राइम से जुड़ी सभी खबरें सिर्फ 5 रुपए में। इसके अलावा ऑनलाइन खबरें पढ़ने या देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.sansani.tv पर जा सकते हैं। इसे अंधविश्वास कहें या फिर किसी चमत्कार की आशा कि आज के आधुनिक युग में भी कुछ लोग इतने अंधविश्वासी हैं कि उनको एक मरे हुए बच्चे के जिंदा होने का इंतजार है। मेरठ के थाना ब्रह्मपुरी के शिव शक्ति नगर निवासी हरि बिजली वाले के नाम से जानने वाले परिवार के इकलौते पुत्र की बुखार से मौत हो गई। परिजन महज 6 साल के बच्चे के शव को दफनाने के लिए सूरजकुंड स्थित शमशान घाट पहुँचे। वहाँ अजीब घटनाक्रम हुआ। शमशान घाट में मौजूद एक संजय नाम के व्यक्ति ने बच्चे का चेहरा देखकर कह दिया कि ये बच्चा अभी नहीं मर सकता, ये तो 52 साल की उम्र लेकर आया है, अभी तो 6 साल ही हुए हैं। परिवार के लोगों को उस व्यक्ति के कहने पर शव को घर पे ले जाकर 72 घंटे तक पूजा पाठ करने की सलाह दे दी। इस मामले को लेकर आसपास के लोग भी हैरान हैं। मेरठ से सनसनी ऑफ इंडिया के लिए सचिन भारती की रिपोर्ट। भैया ऐसा था, इस लड़के की तबीयत खराब हो गई थी, इसे नर्सिंग होम में क्या कर मैं इसलिए आनंद में भर्ती करा गया था। वहाँ पर ऐसा 2 दिन रखा, 2 दिन रखने के बाद इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हुई, उन्होंने भर्ती घोषित कर दिया। उसके बाद ऐसे यहाँ लाए, यहाँ से फिर सूरजकुंड ले गए। सूरजकुंड पर एक बाबा आए, वो बोले कि उन्होंने ऐसे देखा, देखने के बाद बोले भाई इसको 72 घंटे का टाइम दे दिया गया है, इसके प्राण चले गए हैं, दोबारा प्राण 72 घंटे में आ जाएंगे और इसे घर ले चलो। तभी से इसे घर पर लाकर इसका कार्यक्रम शुरू कर दिया और पूजा पाठ सभी जब से जारी है, सभी मोहल्ले वासियों ने इसको सही माना है, प्रोग्राम चल रहा है, अब देखा जाइए कि क्या होगा। बाबा ये इनके करीब करीब के रिश्तेदार हैं कोई, तो उन यही रहते हैं ओडियन, उन्होंने ये बताया कि मैं काली का पुजारी हूँ और मैंने वहाँ पे ये कह दिया गया कि तो लोग में कि दोबारा इसके प्राण वापस बुला कर आऊँगा। मानी क्या वो बच्चा डेड तो हो ही गया है, डॉक्टरों ने भी कह दिया है, उसे घोषित कर दिया है। अब ये भगत जी ये कह रहा है कि इसकी आत्मा निकल गई है, ये मरने वाला नहीं था अभी, और ये जिंदा हो जाएगा 72 घंटे में, 72 घंटे का समय दे रखा है इन्होंने। बस उसके लिए कीर्तन वीर्तन कर रहे हैं, अपना पूजा पाठ कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं हो रहा है जी। अब क्या कह सकते हैं, अंधविश्वास हो रहा है और कुछ नहीं है। वो ना होता तो अब तक हो भी जाता है। 3 दिन, तीसरा दिन है आज, पहली बार सुना, पहले देखा ही पहली दफा ही है। स्वेच्छा से गैस की सब्सिडी छोड़ने की कवायद गैस उपभोक्ता के लिए जी का जंजाल बनती जा रही है। और तो और अब मोबाइल पर कंपनी की ओर से उपभोक्ताओं को फोन पर सब्सिडी त्यागने के नाम पर गुमराह किया जा रहा है और उनकी मर्जी के बगैर सब्सिडी बंद की जा रही है। उपभोक्ताओं को कंपनी की ओर से सब्सिडी त्यागने के लिए 022450
1000 नंबर से फोन किया जा रहा है और स्वेच्छा से सब्सिडी त्यागने के लिए फोन से एक या दो नंबर को दबाने की बात कही जा रही है। लेकिन उपभोक्ता की ओर से किसी भी नंबर को ना दबाने के बावजूद कंपनी की ओर से एक SMS तुरंत उपभोक्ताओं के मोबाइल फोन पर भेज दिया जाता है, जिसे पढ़ने से गैस उपभोक्ताओं के होश गुल हो रहे हैं। मैं 10 से 20 सेकंड तक आने वाले इस फोन कॉल को जब तक लोग समझ पा रहे हैं, तब तक कंपनी की ओर से फोन काट कर थैंक्स का मैसेज भेज दिया जाता है। बढ़ी से सनसनी ऑफ इंडिया के लिए काजल ठाकुर की रिपोर्ट। विश्व विख्यात शक्तिपीठ नैना देवी जी ने गिलट के नाम पर सोना चांदी की नीलामी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस सनसनीखेज मामले का खुलासा करते हुए मंदिर न्यासी धर्मपाल गौतम ने बताया कि करीब 2 महीने पूर्व मंदिर में चढ़ाए गए गिल्ट की नीलामी रखी गई थी तथा उस नीलामी में उन्हें भी बुलाया गया था। जब नीलामी शुरू होने लगी तब गिल्ट का भाव 30 रुपए प्रति किलो से आगे नहीं बढ़ रहा था। तत्पश्चात न्यासी धर्मपाल गौतम ने न्यास कर्मचारी को गिल्ट की बोरी खोलने के लिए बोला तो बोरी के नीचे गिल्ट का निरीक्षण करते हुए उन्हें उसमें चांदी के भी कुछ छत्र नजर आए। इस पर उन्होंने पूरी गिल्ट देखने की मंशा जाहिर की। इस गिल्ट की छानबीन करने पर इसमें काफी मात्रा में सोना भी मिला। हरकत में आए मंदिर न्यास ने वहां पर मौजूद सुनार को इसकी जांच करने को कहा। ये जांच प्रक्रिया करीब 3 सप्ताह तक चली। नैना देवी से सनसनी ऑफ इंडिया के लिए रवि कुमार की रिपोर्ट। सनसनी ऑफ इंडिया का जिंदगी के सफर में एक जीवन साथी तो चाहिए ना, और जीवन साथी अगर मनपसंद हो तो जिंदगी और भी खुशनुमा हो जाती है। आपका मनपसंद जीवन साथी बस यहाँ मिलेगा, साथी4u.com। जो साथी4u.com पर आए जिंदगी महक जाए। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से प्रकाशित हिंदी दैनिक समाचार पत्र विजय न्यूज हर रोज आपको कराता है देश विदेश, खेल, कारोबार और आपके आसपास की घटनाओं से रूबरू मात्र 2 रुपए में। विजय न्यूज की खबरें हिंदी में पढ़िए कहीं भी कभी भी। बस लॉगिन करें www.vijaynews.in। मोबाइल में हिंदी में खबरें पढ़ने के लिए एंड्रॉइड यूजर गूगल प्ले स्टोर से विजय न्यूज ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में हर अपराध पर है हमारी कड़ी नजर। जुर्म की हर खबर से कराएंगे आपको रूबरू। देखना ना भूलें सनसनी ऑफ इंडिया हर रोज रात 10:30 बजे सिर्फ जस्ट कवर पर। कड़ी नजर, खरी खबर और सच दिखाने की हिम्मत। सच दिखाते हैं हम, सनसनी ऑफ इंडिया हिंदी साप्ताहिक न्यूज पेपर, हर रविवार आपके द्वार, जो आप तक पहुंचाता है क्राइम से जुड़ी सभी खबरें सिर्फ 5 रुपए में। इसके अलावा ऑनलाइन खबरें पढ़ने या देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.sansani.tv पर जा सकते हैं। दोस्तों, मैं विजय कुमार दिवाकर अब आपसे लेता हूं विदा। अगर आपके आसपास हो रहा है कोई गैर कानूनी काम या आपको है किसी वारदात की जानकारी तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9213130221 पर या हमारे व्हाट्सएप नंबर 9650854621 पर दे सकते हैं। मैं जल्द लौटूंगा एक नए खुलासे के साथ। देखते रहिए सनसनी ऑफ इंडिया।